नमस्कार नमस्ते एंड हेलो एवरीवन। जैसे कि नवरात्रि का सीजन शुरू हो चुका है तो सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। इसीलिए आज का जो रेसिपी है वो नवरात्रि व्रत स्पेशल साबूदाना का खीर का रेसिपी है जो बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो सबसे पहले आपको लेना है दूध। मैंने 2 कप दूध लिए हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब 2 चम्मच चीनी भी आप अपने हिसाब से ही ऐड कीजिए। अब थोड़ा सा इलायची का दाना और उसको बॉयल करना है अच्छे से। ये देखिए ये अच्छे से बॉयल हो चुका है और ये अपना फैट भी छोड़ने लगा है और ये सही टाइम है। अब हम इसमें साबूदाना ऐड करेंगे और साबूदाना को जो है मैंने 20 मिनट के लिए भिगो के रखा था, इसको हम पानी के साथ ही ऐड करेंगे और इसको हम अभी 15 से 20 मिनट तक पकने छोड़ देंगे क्योंकि साबूदाना को थोड़ा सा टाइम लगता है पकने में। और ये देखिए ये 20 मिनट हो चुका है, ये ऑलमोस्ट पक चुका है। अब हम इसमें फ्लेवर के लिए थोड़ा सा वैनिला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये टोटली स्किपेबल है, आप स्किप भी कर सकते हैं स्टेप को। और ये पक चुका है अच्छे से, ये देखिए ये रेडी हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, ये आपकी मर्जी है। और मैं थोड़ा सा काजू और आलमंड्स ले रही हूँ, आप पिस्टेचोस ड्राई ग्रेप्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। ये देखिए हमारा साबूदाना का खीर कितना आसानी से और कितने कम समय में बन चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है सामग्री भी बहुत ही कम लगा, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स ऊपर से भी मैंने डाला है ताकि देखने में अच्छा लगे, खाने में ज़्यादा टेस्ट हो। तो ये बहुत आसान है, देखा आप लोगों ने, बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कैसा लगा। नाउ एंजॉय।